इंडिया का जो मल्टी एक्सल बस मार्केट है उसमें दो मॉडल एकदम इट पे चल रहे हैं, एक वोल्वो का B9R, एक वोल्वो का B11R। दोनों एकदम सिमिलर बसेस है मगर माइनर डिफरेंसेस है। पहला उसका लेंथ, मतलब वोल्वो B9R जो है वो सब 13 मीटर लेंथ में आता है उसका चेसिस, और जो वोल्वो B11R है उसका लंबा है वो 14.5 मीटर तक जाता है उसका लेंथ मल्टी एक्सल कॉन्फिग्रेशन। उनके एक्सल कॉन्फिग्रेशन में बड़ा इंटरेस्टिंग डिफरेंस है, सुनना है ठीक है। जो वोल्वो B11R है उनमें नॉर्मली मल्टी एक्सल मतलब तीन एक्सल्स होते हैं, एक अपना जो इंजन से पावर लेता है ड्रिवन एक्सल, एक जो आगे होता है स्टेयरेबल एक्सल, एक तीसरा होता है टैग एक्सल। टैग एक्सल मतलब एक्स्ट्रा लोड को सपोर्ट करने के लिए। उनका जो GVW होता है वो 25-26 टन तक जाता है, तो वो GVW सपोर्ट करने के लिए एक टैग एक्सल होता है। वोल्वो B9R में जो टैग एक्सल होता है वो जो ड्रिवन एक्सल होता है उससे सामने होता है, मतलब आगे आपका स्टेयरेबल एक्सल जो ड्राइवर कैप के पास होता है, दूसरा होता है आपका टैग एक्सल बीच में आ गया, और ड्रिवन एक्सल जो इंजन से पावर लेता है वो लास्ट में होता है। मगर B11R में इंटरेस्टिंग कैरेक्टर है, इसमें जो स्टेयरेबल एक्सल है वो ड्राइवर के पास सामने होता है, जो ड्रिवन एक्सल होता है जो इंजन से पावर लेता है वो सामने होता है मतलब मिडल में होता है, और टैग एक्सल जो है वो पीछे होता है, मतलब जो पीछे का जो टैग एक्सल है वो स्टेयरेबल टैग एक्सल है। जब ड्राइवर ने स्टेयरिंग को राइट घुमाया तो जो आगे का टायर है वो राइट को टर्न हो गए, जो पीछे का टैग एक्सल है वो लेफ्ट को टर्न हो गए। उसका जो लॉन्ग चेसिस है 14.5 मीटर का उसको अच्छा एक स्टेयरिंग मैनोवरिंग का जो कैरेक्टरिस्टिक्स है वो एनहांस कर देगा, मगर वोल्वो B9R जो है उसमें जो टैग एक्सल है वो नॉन स्टेयरेबल है, मतलब उसको एक टर्न लेने के लिए एकदम 2 एकड़ का लैंड चाहिए। जो अच्छा पार्ट, जो स्कैनिया का मेट्रोलिंग HD 14.5 आता था वो भी सेम, उसका भी टैग एक्सल पीछे स्टेरेबल था, और जो मर्सिडीज का बसेस चलते थे उनका भी टैग एक्सल पीछे स्टेरेबल था।